हरियाणा में नौ निहालों को बचपन से ही अच्छी शिक्षा मिले, बुनियादी भाषा और अंक गणित में उनकी नींव मजबूत हो, ये सुनिश्चित कर रहा है निपुण हरियाणा मिशन। मैं तो नहीं कहती कि कोई ये सरकारी स्कूल में कोई कमी है, बेटर ही होता जा रहा है सब कुछ, प्राइवेट स्कूल से बहुत ज्यादा बेटर हो रहा है सब। स्कूल सरकारी स्कूल में बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, बहुत बढ़िया सुविधा मिल रही है। पहले जैसे बच्चे कम है, अभी मास्टर बहुत ध्यान दे रहे हैं इन पे, और मान लो जो बड़ा कुछ काम दिया जा रहा है वो हमें पता लग रहा है, पहले से बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट है। चरखी दादरी जिले का ये राजकीय माध्यमिक स्कूल इस मिशन से आ रहे बदलाव की कहानी बयां कर रहा है। बारड़ा ब्लॉक के इस स्कूल को मॉडर्न कर रही नई शिक्षा नीति के तहत बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, खेल खेल में सिखाया जा रहा है। इस मिशन को लेकर टीचर्स भी खासे उत्साहित हैं। इसमें शिक्षकों को भी बच्चों को नए नए तरीके के पढ़ाने की ट्रेनिंग दी जाती है। बच्चे शिक्षा में पिछड़ गए थे, उनको उठाने में निपुण ने बड़ा विशेष सहयोग किया है ताकि वो मुख्य धारा में बच्चे अन्य बच्चों के साथ मिलकर पढ़ सके। निपुण द्वारा दी गई टीचिंग एड की मदद से काफी बच्चों में सुधार हुआ है। जो सरकार की जो निपुण है और एफएलएन है, इनके माध्यम से बच्चे बहुत अच्छी तरीके से सीख पा रहे हैं। एफएलएन में क्या है कि गतिविधि के माध्यम से बच्चे को पढ़ाना होता है, तो हम खेल खेल के माध्यम से बच्चों को यहाँ सिखाते हैं। जैसे हमने बच्चों को पहाड़े सिखाने हैं, तो यहाँ शीशा झूला है, इसके ऊपर हम लेके जाते हैं। बच्चों के आपस में कंपटीशन हो जाता है कि मैं ज़्यादा पहाड़े अगर सीख के आऊँगा तो ज़्यादा झूलने का मौका मिलेगा। चरखी दादरी जिले का जो ये जगरामबास जो गांव है, यहाँ के जो बच्चे हैं वो विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन भी करते हैं, जिसकी मुख्यमंत्री द्वारा भी सराहना की गई है। चरखी दादरी से मेरे सहयोगी पुनीत सोरण के साथ प्रदीप साहू, सूर्य अस्पताल।